i welcome you in the course of leadership emotional intelligence and decision making this is module number 57 and we're going to talk about that how can we be real how can we act with authenticity and what is our domain satisfaction level now to understand our domain satisfaction level we have to attempt certain exercises the first exercise is going to talk about our happiness rating that how happy we are with our four way domains how happy we are with our home with our community with our self, and with our profession for that we need to fill a table which is our exercise number 5 and let's fill this table together now if we start filling this particular table there are four domains with us the work the home the community and the self

at work and i say that i am satisfied up till 3 and suppose at family and home i am comfortable and i rate it 7 and supposedly at community level i am not much satisfied i rate it 5 and supposedly with my own self my body my spirit my mind so agar evaluation karu to how much satisfied am i with my own self supposedly i say 8 and if i conclude the whole situation

मेरे होम की इंपॉर्टेंस फॉर मी इज फोर्टी परसेंट मेरी कम्युनिटी की इंपॉर्टेंस फॉर मी इज ट्वेंटी परसेंट और मैं अपनी ज़ात पर तवज्जो ट्वेंटी परसेंट देना चाहता हूं मेरी इंपॉर्टेंस अपने लिए इतनी है और अगर मैं फोकस की बात करूं तो हो सकता है कि द वर्क इज टेकिंग अलॉट ऑफ माई टाइम एंड आई से आई एम गिविंग टू माई वर्क एंड होम इज गेटिंग इग्नोर्ड आई एम गिविंग टेन एंड इफ आई से कम्युनिटी और सोसाइटी को मैं कितना वक्त दे रहा हूं सो मे बी आई एम गिविंग थर्टी या हम दोबारा से अपना एंड सपोजिटलीफ आई थिंक हाउ मच आई लेफ्टन सेल्फ ना आफ्टर फिलिंग दिस इंपॉर्टेंस एंड फोकस आई है इतनी तवज्जो और इतनी इंपॉर्टेंस देने के बाद क्या मैं सेटिस्फाइड भी उनसे ज्यादा हूं सपोजिटली एट द वर्क ऑल दो आई एम गिविंग फोर्टी परसेंट ऑफ माई फोकस बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड सो आई मे से थ्री एट होम आई एम गिविंग घर से मुझे ज़्यादा है, so I may say eight. अगर मैं community की बात करूं तो मे बी विद माई ओन सेल्फ आई एम सेटिस्फाइड टू सेवन लाइक वाइज अगर मैं परफॉर्मेंस तो इंप्लीकेशन को देखूं तो ऑल दो हो सकता है कि वर्क पर मेरा इनर सेटिसफेक्शन लेवल वो तो नहीं है बट आई एम गिविंग एनर्जीटलीफ आई से मेरी परफॉर्मेंस एट होम विद माई फैमिली विद माई सिबलिंग विद माई किड्स अगर मैं उसको कंसिडर कर रहा हूं तो मे बी मेरी परफॉर्मेंस जैसी होनी चाहिए वैसी शायद वहां पर नहीं हो पा रही तो आई से सिक्स कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं तो इन ऑफ न्यूट्रल तरह माइंड सेल्फ बॉडी को अगर मैं कंसीडर करूं तो मेरी जो सेल्फ परफॉर्मेंस है अपनी जात के हवाले से मे बी आई रेटेड टू सिक्स अब ये मैंने डिफरेंट रेटिंग्स रेंडमली यहां पर अपनी सोच के मुताबिक मार्क की अगर हम ओवरऑल में देखें तो ओवरऑल परस्पेक्टिव में हाउ मच सेटिस्फाइड एम आई विद माय ओन लाइफ तो अगर मैं ओवरऑल को काउंट करूं तो मे बी आई एम समथिंग लाइक एट सिक्स और अगर मैं ओवरऑल अपनी लाइफ की परफॉर्मेंस को देखूं तो मे बी आई एम एट समथिंग लाइक फाइव अब यहां पर ये एक रैंडम फिगर्स हमने यहां पर पंच की इन रैंडम फिगर्स को ऑब्वियसली जब आप अपने लिए पंच करोगे तो आपको इनको बहुत एनालाइज करके लिखना है ज नॉट जस्ट गोइंग टू बी रैंडम बिकॉज अगर आप इसको रैंडम परफॉर्मेंस एंड रैंडम सेटिस्फेक्शन में काउंट करेंगे तो उसके रिजल्ट भी इवेंचुअली आपको रैंडम ही मिलेंगे Therefore, अगर आप अपने आप को ट्रू मीनिंग्स में सेल्फ अवेयरनेस में लेकर जाना चाहते हो तो यू हैव टू बी वेरी मच स्पेसिफिक इन योर लाइफ की चीजों की आपके लिए इंपॉर्टेंस कितनी है चीजों के ऊपर आप फोकस कितना दे रहे हो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल उन तमाम स्टेक होल्डर्स और कंसर्न के साथ क्या है और आपकी जो परफॉर्मेंस एस्पेक्ट है वो किस कदर रियालिटी बेस्ड चल रहे हैं डियर स्टूडेंट्स अभी जैसे हमने इस टेबल में देखा कि हमारी इंपॉर्टेंस फोकस सेटिस्फेक्शन और परफॉर्मेंस दे आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड दे आर नॉट पैट्रोनाइज्ड किसी जगह पर मैं तवज्जो ज्यादा दे रहा हूँ लेकिन मेरी जो परफॉर्मेंस है वो कम है और किसी जगह पर मैं तवज्जो कम दे रहा हूं लेकिन मेरी परफॉर्मेंस वो ज्यादा हो सकती है सो so, आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है इन तमाम का जो मेन मकसद है वो ये है कि आप एक बैलेंस क्रिएट कर सकें अपने 360 डिग्री ऑफ लाइफ में अब बैलेंस को फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए रिमेंबर के टाइम इज द ग्रेटेस्ट हीलर इट इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम जिंदगी के बहुत से मामला वक्त के साथ ऑटोमेटिकली हल वो हो भी जाते हैं यू हैव टू सी कि किसी जगह पर यू आर फिजिकली प्रेजेंट बट साइकोलॉजिकली एबसेंट

आपको यह देखना पड़ेगा कि आप कहां पर मौजूद हो और आपकी सोच वो किन चीजों को अपने पेराए में लिए हुए है और क्या इन दोनों बातों में सिंक्रोनाइजेशन पैटर्नाइजेशन वो मौजूद है या नहीं है क्या आपको अपनी जात में फ्लेक्सिबिलिटी अडाप्टेबिलिटी नजर आती है या नहीं नजर आती क्या आप अपने हालात और वाकत के मुताबिक अपने आप को ढाल सकते हो कि नहीं ढाल सकते हो सो इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम उट व्हाट इम्पॉर्टेंट एंड वेयर यू डिवोट योर टाइम तो आपकी लेवल आपकी लाइफ में लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस किसी चीज की किसी शख्स की किसी जगह की और आपकी तवज्जो उनके हवाले से क्या इन दोनों चीजों में कोई रब मौजूद है या नहीं ये तमाम तर एस्पेक्ट एक्चुअली हमें कुछ क्वेश्चन की तरफ लेकर जाएंगे फॉर एग्जाम्पल वट इज द बिगेस्ट डिसकोनेक्ट इन द रिलेशनशिप एमंग योर फोर डोमेन्स आपको क्या नजर आ रहा है कि इन चार हवालों से योर कम्युनिटी योर सेल्फ योर होम एंड योर प्रोफेशन कहां पर आपको लग रहा है कि देर इज समथिंग मिसिंग देर इज समथिंग विच यू नीड टू रेक्टिफाई देर इज समथिंग दैट यू नीड टू चेंज एट द सेम टाइम वट चेंजेस माइट यू मेक टू ब्रिंग द फोर डोमेन्स ऑफ योर लाइफ इन टू ग्रेटर हारमोनी इन चारों चीजों में इन चारों परस्पेक्टिव में अपनी जिंदगी के नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में आप किन तब्दीलियों को लाना चाहोगे जिन तब्दीलियों से आप जस्टिफाई कर सको इंपॉर्टेंस को फोकस के साथ फोकस को सेटिस्फेक्शन के साथ और सेटिस्फेक्शन को परफॉर्मेंस के साथ देयर फोर हाउ वुड यू चेंज और हाउ सच चेंजेस वुड एक्चुअली टेक प्लेस टू ब्रिंग योर हैप्पीनेस रेटिंग मोर देयर फोर अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो हमारी हैप्पीनेस रेटिंग वो डिपेंड करती है चार चीज़ों पर हमारी जिंदगी में हमारे स्टेक होल्डर्स की इंपॉर्टेंस उनके ऊपर दी जाने वाली तवज्जो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल और हमारी परफॉर्मेंस ये चार चीजें मिलकर हमारी सेटिस्फेक्शन को और ऑब्वियसलीट वुड बी लीडिंग टू अवर हैप्पीनेस वो लेकर चलेंगी और सब कुछ तभी मुमकिन होगा जब आप कॉन्शियस लेवल के साथ माइंडफुलनेस के साथ चीजों को एनालाइज वो करना सीखोगे थैंक यू